वापस आ रही है सलमान खान की फिल्म वांटेड। कौन होगा इस फिल्म में? सलमान के लिए ये फिल्म कैसे लकी साबित होगी? पॉलीग्राफ स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर लंबे समय से अपनी 2009 की हिट फिल्म वांटेड का सीक्वल बनाना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान की हां के इंतजार में वक्त बीतता जा रहा है। अब उन्होंने सलमान का इंतजार ना करने का फैसला कर लिया है। पिछले कुछ समय से सीक्वल की चर्चाएं हो रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि सलमान बोनी को जानबूझकर इंतजार करवा रहे हैं। इसकी वजह बोनी के बेटे अर्जुन कपूर हैं, जिनसे सलमान की नाराजगी जाहिर है। फिल्म रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों के नाम गिनाए थे और उनमें से वांटेड 2 का नाम कहीं नहीं था। संभवतः यही कारण है कि बोनी ने अब वांटेड 2 के लिए सलमान की जगह दूसरे एक्टर की खोज शुरू कर दी है और टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आ रहा है। वांटेड एक एक्शन फिल्म थी और टाइगर श्रॉफ आज सबसे प्रतिभाशाली एक्शन स्टार के रूप में उभरे हैं। हाल ही में कुछ सलमान ने उनकी तारीफ की थी। सूत्रों का कहना है कि बोनी ने निर्देशक प्रभुदेवा से मिलकर पिछले दिनों बात की और कहा कि वांटेड के सीक्वल के लिए टाइगर को लिया जा सकता है। इसके बाद टाइगर से बोनी और उनकी टीम ने बातचीत की। कहा जा रहा है कि बोनी ब्लॉकबस्टर बनी बागी 3 के बाद टाइगर की इमेज को भुनना चाहते हैं। तय है कि अगर टाइगर वांटेड 2 में आते हैं तो इससे फिल्म को बहुत फायदा होगा। बोनी के करीबी सूत्र कह रहे हैं कि वांटेड 2 के लिए उनके पास बढ़िया कहानी है और टाइगर ने स्क्रिप्ट सुनने के लिए हाँ कह दी है। बोनी फिल्म की भागदौड़ प्रभुदेवा को सौंप चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 2009 में वांटेड ने ही सलमान को उस वक्त चल रहे उनके खराब दौर से उभारा था और इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूत्रों के मुताबिक टाइगर ने हाँ की तो वह 2021 में वांटेड 2 के लिए समय दे पाएंगे। अगर टाइगर ने इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया तो वह आज के समय के ऐसे पहले एक्टर बन जाएंगे जो 4 एक्शन फ्रेंचाइजी के किस्सा होंगे। आपको बता दें कि बागी एक एक्शन सीरीज है और इसके अलावा टाइगर गणपत और हीरोपंती के सीक्वल भी काम कर रहे हैं। गणपत 3 पार्ट में रिलीज होगी, इसलिए यह भी फ्रेंचाइजी में ही आएगी। टाइगर ने एक्शन हीरो के रूप में एक ऐसा बार सेट कर दिया है कि वहां तक पहुंचना तो दूर, बल्कि कोई एक्टर आज के जमाने में इतनी एक्शन फिल्म करने का भी नहीं सोच सकता। क्या वांटेड में सलमान की जगह टाइगर आएंगे दर्शकों को पसंद? कमेंट कर हमें अपने राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया था। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने सलमान खान के डूबते हुए करियर को फिर से टॉप पर पहुंचा दिया था और उसके बाद सलमान खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी हर फिल्म इस फिल्म के बाद 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। पहचान गए दोस्तों? चलो हम ही बता देते हैं, हम बात कर रहे हैं 2009 में रिलीज हुई उनकी फिल्म वांटेड की, जिसने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। 18 सितंबर 2009 उनकी फिल्म रिलीज हुई वांटेड, और फिल्म का डायरेक्शन किया था प्रभु देवा ने और इसके प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर, और इसका म्यूजिक कंपोज किया था म्यूजिक कंपोजर साजिद वाजिद और सलीम सुलेमान ने। दोस्तों, इस फिल्म में सलमान खान के साथ आयशा टाकिया ने काम किया था। उनके अलावा इस फिल्म में प्रकाश राज और विनोद खन्ना भी एक्टिंग करते नजर आए। ये तेलुगु फिल्म पोखरी का रीमेक थी जिसमें साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने काम किया था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक एक्शन मूवी थी, और अगर बात करें कहानी की तो ये एक ऐसे सीक्रेट पुलिस ऑफिसर की कहानी थी जो सीक्रेटली गैंगस्टर्स के बीच में गैंगस्टर बनकर उनके सारे क्रिमिनल्स का एनकाउंटर का इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। दोस्तों, इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 5 करोड़ 1 लाख रुपए रहा। वहीं पहले वीकेंड का कलेक्शन 15 करोड़ 54 लाख रहा। वहीं अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 33 करोड़ 63 लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने भारत में कमाई की 60 करोड़ की। वहीं दुनिया भर की कमाई 93 करोड़ की रही। दोस्तों, वांटेड सलमान खान के करियर की हिट फिल्मों में से एक है
और इस फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया, जिस कारण अपने ओपनिंग वीकेंड पर ही फिल्म ने 15 करोड़ रुपए कमा लिए थे। सप्ताह के बाकी दिनों में भी फिल्म की कलेक्शन में जरा फर्क नहीं पड़ा और एक सप्ताह खत्म होने पर फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा तक की कमाई कर ली। दूसरे सप्ताह में भी फिल्म की कलेक्शन में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली और सिनेमा घरों से फिल्म ने अच्छा लाभ कमाया। वॉन्टेड फिल्म विदेशी दर्शकों को भी बहुत पसंद आई, जिस कारण फिल्म ने विदेश में भी आशा के अनुरूप कमाई की। दोस्तों, वॉन्टेड फिल्म ने सलमान खान के करियर को एक नई उड़ान दी थी, जिसके बाद उन्होंने दबंग, किक, रेडी जैसी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। दोस्तों, बात करते हैं सलमान खान के वो 20 चर्चित डायलॉग्स की, जिससे थिएटर में तालियां और सीटियां गूंज उठती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले डायलॉग से, सलमान खान की गर्व फिल्म से ये डायलॉग। मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है, भाषणबाजियों, नौटंकी और तमाशों से नहीं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर, सलमान खान की वॉन्टेड फिल्म से ये डायलॉग जो बड़ा ही फेमस हुआ। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। दोस्तों, तीसरा डायलॉग आता है उनकी फिल्म तेरे नाम से। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूँ और फुल एंड फाइनल हो जाता है। दोस्तों, वही उनका बॉडीगार्ड फिल्म से ये डायलॉग जो बड़ा ही फेमस हुआ। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर, और उनकी एक था टाइगर फिल्म से ये डायलॉग। साथ चलना होगा जिंदा या मुर्दा। दोस्तों, अगला डायलॉग है उनकी दबंग फिल्म का, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले डायलॉग की ओर, और उनकी बॉडीगार्ड फिल्म से ये डायलॉग। मेरी एक खासियत है कि मैं मारता कम हूँ, घसीटता ज्यादा हूँ। दोस्तों, अगला डायलॉग की बात करें तो दबंग फिल्म का ये बेहतरीन डायलॉग, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और पर्दे कहाँ से। दोस्तों, अगला डायलॉग है उनकी फिल्म मैंने प्यार किया से। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। अगला डायलॉग है उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन से। लोग कहते हैं कि खूबसूरत लड़की फिल्म तमिल फिल्म पोकिरी की रीमेक है, जिसे भी प्रभु देवा ने ही डायरेक्ट किया था। दोस्तों, प्रकाश राज ने इस फिल्म में विलन की भूमिका निभाई है। और क्या आप जानते हैं कि सलमान से पहले ये फिल्म शाहरुख खान को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म का रोल अपने लिए ठीक नहीं समझा था।